दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। आमतौर पर लहसुन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लहसुन एक औषधि है? हैरान होने की बात नहीं है, दरअसल लहसुन एक आयुर्वेदिक औषधि ही है जिसके औषधीय गुणों के कारण इसे खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और हमारे शरीर को कई बीमारियों से भी बचाए रखता है। क्या आपको पता है कि अगर हम लहसुन को कच्चा कच्चा चबाकर खाते हैं तो ऐसे में यह हमारे शरीर में 10 गुना ज्यादा काम करता है, और सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी हम लहसुन का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर की दुनिया में। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 7 ऐसी बीमारियों के बारे में जिनमें यदि आप लहसुन का इस्तेमाल सुबह खाली पेट चबा चबा कर करते हैं तो वो बीमारियां यदि होंगी तो खत्म हो जाएंगी, और नहीं होंगी तो कभी आएंगी ही नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप नए हैं तो आपके अपने हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले और फ्री मिल सकें। दोस्तों, आपको लहसुन की 2-3 कच्ची कली खानी है और आपको इसे खाली पेट ही खाना है, तभी ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो चलिए जानते हैं कि वो 7 बीमारियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, दिल के रोगी के लिए फायदेमंद। लहसुन दिल से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। लहसुन खाने से शरीर में खून का जमाव यानी कि क्लॉट नहीं होता और हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। लहसुन और शहद के मिक्सचर को खाने से दिल तक जाने वाली धमनियों में जमा वसा यानी कि फैट निकल जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से दिल तक पहुंच सकता है। ऐसे में दिल की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी दिल से संबंधित कोई समस्या है तो आप भी सुबह सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन चबा चबा के खाएं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद। लहसुन खाने से हाई बीपी में आराम मिलता है। दरअसल लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में काफी मददगार है। रोजाना हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे लोगों को लहसुन खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर लहसुन को कच्चा और सुबह खाली पेट खाया जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। नंबर 3, पेट की बीमारियों को करे छू मंतर। पेट से जुड़ी सभी समस्याओं जैसे डायरिया और कब्ज की रोकथाम में लहसुन बहुत उपयोगी है। आप इसके लिए सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2-3 कच्ची कलियां चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से डायरिया और कब्ज में आराम मिलेगा। सिर्फ ये ही नहीं, लहसुन हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, यदि आप पेट से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो सुबह खाली पेट लहसुन जरूर लें। नंबर 4, पाचन से संबंधित समस्या। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ अगर आ जाती है तो आप सुबह खाली पेट लहसुन की कच्ची कलियों को चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है और हमारी भूख भी बढ़ने लगती है। ऐसा करने से न केवल आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा बल्कि आपके पाचन तंत्र को ताकत भी मिलती है। नंबर 5, तनाव यानी कि स्ट्रेस को दूर करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लहसुन टेंशन और स्ट्रेस को भगाने में मददगार है। कई बार हमारे पेट के अंदर ऐसे एसिड बनते हैं जिनसे हमें घबराहट और टेंशन होने लगती है। अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन खाते हैं तो ये आपके शरीर में इन एसिड्स को बनने से रोकता है, जिसके कारण आपका तनाव या टेंशन दूर हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप में से कोई तनाव से ग्रसित है तो सुबह खाली पेट लहसुन जरूर खाए। नंबर 6, दांतों के दर्द के लिए फायदेमंद। दोस्तों, लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। अगर आपको दांत में दर्द है तो लहसुन चबा चबा कर खाएं और उसको उसी दांत के ऊपर चबाएं जिस दांत में दर्द है। ऐसा करने से आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा। नंबर 7, सर्दी जुकाम में राहत पहुंचाए। लहसुन सांस से संबंधित बीमारियों की रोकथाम भी करता है। सर्दी जुकाम, खांसी, अस्थमा, निमोनिया, इन सभी के इलाज में लहसुन खाना कुदरती दवा की तरह काम करता है। तो दोस्तों, आप भी यदि इन रोगों से बचे रहना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट लहसुन की 1-2 कच्ची कली चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से न केवल आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि यदि ये समस्याएं आपको हैं भी
तो जल्दी ही आपको इनमें आराम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे वे 7 रोग जिन्हें आप सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाकर खत्म कर सकते हैं। वैसे तो लहसुन के हजारों फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लहसुन के दूसरे फायदों पर भी हम वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। हमसे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें, और हमारे ऐसे ही हेल्दी वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। हम जल्दी ही मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।